आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक भी जान है। हमें उम्मीदें थी वैसे रिजवान से बहुत, लेकिन इस दफा कोई भी नहीं चला। मैच हम तब जीत सकते थे अगर तो एक भी विकेट गिरती ना, या हारिस अच्छा ओवर कर जाता। उम्मीद थी पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इंडिया वालों ने इतना धोया ना हमें पकड़। इनकी जो है वो ड्रॉ जानी है, इनसे खेली नहीं जानी। एक बॉल पे सिंगल बनाएंगे और अगली बॉल पे आउट हो जाएंगे। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, तो एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हमारे किस टॉपिक पर है, और आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि बेचारे पाकिस्तान वाले, बहुत दया आ रही है मेरे को उन लोगों के ऊपर। मतलब जो मैच गया है ना संडे वाला, गाइस आई स्वेयर इससे बढ़िया मैच देखा नहीं। मतलब बहुत इंडिया पाकिस्तान के जितने भी मैच होते हैं सब इंटरेस्टिंग होते हैं, बट एक जो लास्ट मैच गया था बहुत ही गंदा वाला मैच गया था वो, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे हम इंडिया वाले क्रिकेट की टीम से। बट जितना डिसअपॉइंट हमें तब किया था, उतना ही प्राउड फील हमें इस बार इंडिया की टीम ने कराया है। और जो पाकिस्तान को धोया है, पाकिस्तान की टीम को जितना धोया है ना इस बारी, ये हम तो खैर क्या बोलेंगे, पाकिस्तान के खुद के लोग ही ये बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या धोया है इस बार इंडिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम को। तो इसी पे बात कर रहे हैं। मतलब लोग लाइव देख रहे हैं मैच, और उस टाइम पे रिएक्शंस लिए गए हैं लोगों के। मतलब उस टाइम पे भी उन लोगों में इतनी सी भी उम्मीद थी कि हम तो जीत जाएंगे, पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। मतलब वो कहते हैं ना, वो गलत फहमी वाली उम्मीदें लगा के बैठ जाते, तो बस वही लगा के बैठे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो लोगों की कितनी उम्मीदें और कितना जज्बा दिखा रहे हैं वो लोग अभी भी इस वीडियो में, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो हमें उम्मीदें थी वैसे रिजवान से बहुत, लेकिन इस दफा कोई भी नहीं चला। मैच हम तब जीत सकते थे अगर तो एक भी विकेट गिरती ना, या हारिस अच्छा ओवर कर जाता। उम्मीद थी पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इंडिया वालों ने इतना धोया ना हमें पकड़। पाकिस्तान आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक भी जान है। जी नाजरीन, तो पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं आपका होस्ट, अभी मेरा मुंह बना हुआ है थोड़ा सा। पहले हम बड़े नारे शारे मार रहे थे, पाकिस्तान जो है वो जीत रहा था, एकदम से हार्दिक पांड्या ने दो तीन चौके मार दिए हैं, हरीश रावत को दो तीन चौके लग गए हैं। तो अभी मैं अपने जो दोस्त हैं हम सारे मिल के मैच देख रहे थे, तो देखते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। जो हिफ्जा है मेरे साथ, उसका भी मुंह बना पड़ा, पहले तो बड़ा उछल कूद रही थी। पाकिस्तान से मैच निकल गया है, क्या कहना चाहो? आप भी निकल जाएं। तो और क्या, इतना अच्छा मैच खेल रहे थे, एंड पे इन्होंने किसाई मार दिया। अच्छा, तो बस हार्दिक पांड्या और जडेजा ने मैच लेके निकल गए। हाँ, तो हमें उम्मीदें थी वैसे रिजवान से बहुत, लेकिन इस दफा कोई भी नहीं चला। अब एक पहले तो बड़ा खुश थे सारे, अब एकदम से चेहरे बन गए, भट्टी का चेहरा भी बन गया। मेरी बात सुने, हम लोग थे तो पाकिस्तान के साथ ना, उम्मीद थी पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इंडिया वालों ने इतना धोया ना हमें पकड़ के, एंड पे एंड पे धोया। लेकिन हाँ, खुशी इस चीज़ की है, कम से कम हम लड़े तो है ना, लड़े हैं। हाँ, मैच फाइटिंग हुई है, मैच फाइटिंग हुई है, लेकिन अब फिलहाल जो सिचुएशन है, हम हार जाएंगे, हार जाएंगे। कोई चांस नजर आ रहा है, कोई थोड़ा बहुत, कोई करिश्मा, कोई जादू हो जाए? हाँ, बारिश हो जाए। बारिश हो जाए, बारिश हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए। लेकिन अब तो बिल्कुल थोड़ी सी बॉल्स रह गई हैं और रन भी थोड़े से रह गए, अब नहीं कुछ हो सकता। आप क्या कहना चाहोगे, अभी मैच आज से निकल गई? सर हार गए हम, तकरीबन एक ओवर में देख ले कितना रह गया, सात रह गया, सात रह गया। हार्दिक और जडेजा ले गए हमसे मैच हम तब जीत सकते थे अगर तो इन दोनों में से कोई एक भी विकेट गिरती ना, या हारिस अच्छा ओवर कर जाता। वो तीन चौके खा गया, तो अब बेचारे आखिरी किसी लिए छोड़ेगी उसने। अब लेकिन पाकिस्तान आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक भी जान है। अभी अभी क्या कहोगे, अभी क्या कहोगे? देखे पाकिस्तान में माहौल बन गया है, अभी क्या कहना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे करो? अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जान है, खेल है, और अभी चांस है, अभी खेल बाकी है, अभी दो विकेट और निकल जाए, अभी दो विकेट और निकल जाए और सारे घरों को निकल जाए इंडिया वाले। अच्छा, अब तेरे होते बात करते, आउट हो गया, तू बात करता रहे मेरे वीर, बात करता रहे थोड़ी देर और, बात करता रहे यार। अब तो वो कमर्शियल आ गए, वो हार्दिक पांड्या आ गए, देखा ना, हार्दिक पांड्या था, दिनेश कार्तिक भी रहता है यार, वो जो बंदा है ना वो, अरे सारे बड़े मुंडे लेके आ गए जे, आउट कर कर थक गए ना, दिनेश कार्तिक फिर आ गया। हार्दिक पांड्या अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अब डिपेंड करता है हमारे पर, तेरा भी वखरा मैच चल रहा है। सर इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जीत जाएंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे इंशाल्लाह। कितने परसेंट? 5%। तुम इतना बताओ, मैच का मजा आया कि नहीं आया, फाइट हुई है कि नहीं हुई? यार देखो, अगर पिछला मैच देखा था ना पाकिस्तान इंडिया का,
वो वन साइडेड था, पाकिस्तान ने 15 टो किया था जीरो पे, मतलब कि जीरो आउट हमने चेस किया था, इंडिया को 150 करना भरा हो गया। तो ये सर पाकिस्तान की एक जीत है, मैं समझता हूँ फाइट है जबरदस्त जी। अभी मैच जो है वो चल रहा है, अभी मैच बहुत सनसनी खेल मौके में पहुंच चुका है, लास्ट ओवर चल रहा है और जो मोहम्मद नवाज है वो बॉलिंग कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक उसका सामना कर रहे हैं, मेरे साथ रहे, मैं आपको मैच के साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। 141 स्कोर हो चुका है, 7 स्कोर 5 बॉलों पर रहता है। मैच जो है वो पाकिस्तान के भी दिल की धड़कने रुकी पड़ी हैं, इंडिया के भी दिल की धड़कने रुकी पड़ी हैं। दिनेश कार्तिक अभी ये बॉल दूसरी होने वाली है और सिंगल सिंगल, एक और सिंगल हो चुका है। तो अभी 4 बॉलों पे 6 स्कोर है, 4 बॉलों पे 6 है, 4 बॉलों पे 6 है। तो 2 बॉल है इनकी जो है वो ड्रॉ जानी है, इनसे खेली नहीं जानी, एक बॉल पे सिंगल बनाएंगे और अगली बॉल पे आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। चलिए जी, मैच का जो है इज्जा ने एंडिंग कर दी है जी, 2 खेली नहीं जानी, 2 सो आप मतलब इनका जज्बा देख रहे हो, मतलब इनकी वो दिली ख्वाहिश की भाई हमारा पाकिस्तान तो जीतेगा ही जीतेगा। 3 बॉलों में 6 रन और एक ही बॉल का मतलब एक ही बॉल चाहिए थी बंदे को, सीधा छक्का मारा और इनके छक्के छुड़ा दिए वहीं की वहीं, जितने एक्साइटमेंट में बैठे थे इनकी एक्साइटमेंट वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई। और ये जो इतना और मतलब ये बोल रहे हैं कि लास्ट वाले मैच, अरे भाई इतने सालों में एक मैच तुम वन साइडेड जीत भी गए तो तुमने कौन सी अचीवमेंट मतलब कौन सी अचीवमेंट ले ली। वैसे इनके लिए अचीवमेंट ये है कि इंडिया से ये लोग जीत गए थे बाय लक, उस दिन पता नहीं इनका लक अच्छा था या पता नहीं क्या था तो ये लोग जीत गए थे। और उसी चीज को लेकर मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी उस एक मैच को लेकर गाते रहेंगे कि हमने इंडिया को वन साइडेड हराया था। अबे क्या बोल रहे हैं इन लोगों के बारे में। तो आई होप आप सब ने भी खूब इंजॉय किया होगा कल वाला मतलब संडे वाला मैच, मैंने भी खूब इंजॉय किया था बहुत, मतलब लास्ट का जो ओवर था वो बहुत ही खतरनाक वाला सीरियस काइंड ऑफ ओवर था और एक बॉल में छक्का लगते ही बस ढोल बजने शुरू हो गए थे। मतलब ऐसा मैच सीरियसली बहुत मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए मैच में, वन साइडेड मैच में भी कोई स्वाद नहीं आता, मैच होना चाहिए टक्कर वाला। इन लोगों के साथ टक्कर होती नहीं है बट जब टक्कर बैठ के मैच होता है और तब इंसान जीतता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है उस जीत की। सो आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा, आई होप आप सबने ये वीडियो भी इंजॉय किया होगा, देखा होगा इन लोगों की बेचारों की शक्लें, इन लोग को पता है अंदर से कि नहीं जीतेंगे बट कैमरे के आगे इन लोगों को फिर भी एक होप दिखानी थी कि नहीं नहीं हम लोग तो जीत जाएंगे, ये बॉल ड्रॉप हो जाएगी, ये बॉल वाइड चल जाएगी, ये बॉल ये हो जाएगी, ये बॉल वो हो जाएगी, मतलब जो जो भी ये बोल रहे थे। तो कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इनकी उम्मीद लगाएंगे तो ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो शायद 2 साल से लेते रहेंगे ज्यादा अगर उम्मीद पे रहेंगे तो, इनकी उम्मीद पूरी तो होनी नहीं है बट स्टिल जैसे भी हैं रहे इनकी मर्जी है, इन्होंने जीना है, हमें क्या लेना देना है, हमारा तो ऐसे ही एंटरटेन होता रहता है इन लोग को सुन सुन के, इन लोग की गलतफहमियों वाली चीजें सुन सुन के, इन लोगों की उम्मीदें देख देख के। सो गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और इंडिया टीम के लिए जय हिंद तो आज लिखना बनता ही है कमेंट सेक्शन में, तो जय हिंद जय भारत कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को एंजॉय कर पाए और उन लोगों के चेहरे देख पाए बेचारे किस उम्मीदों में बैठे थे कल मैच देख मतलब संडे को मैच देखने के लिए और कैसे इनकी उम्मीदें टूटी और इन लोगों पे क्या बीती होगी। सो उसके लिए वीडियो शेयर कर देना और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो गाइस और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको अपडेट होते ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से आकर दोबारा से और भी वीडियोस देख सको। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, जय हिंद जय भारत।